नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, कानपुर से, जहां भारत ने टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत ने 2-0 से जीती सीरीज। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़ा। बांग्लादेश दूसरी पारी में 146 रन पर ही ऑल आउट हो गए। भारत को 95 रन का टारगेट मिला था। और देखिए, भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि इंडिया वाले किसी से कम नहीं है। और देखिए, बड़ी जीत यहां पर भारत को मिली है। 95 रन का टारगेट दिया था, लेकिन बांग्लादेश को 146 रन पर ही टीम इंडिया ने निपटा दिया। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़ा। 2-0 से इस सीरीज को जीत लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे खुशी की खबर है ये। चलिए, हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। शरद जी, टीम इंडिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। 95 रन का टारगेट मिला था, 146 रन पे ही बांग्लादेश को ढेर कर दिया। बिल्कुल, आपने कहा, और भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट में हम नंबर वन रैंकिंग भी रखते रहे हैं और एक लीडिंग वर्ल्ड क्रिकेट की, बल्कि मैं ये कहूंगा कि तीनों फॉर्मेट में हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार है। चाहे टेस्ट की बात करें, चाहे वनडे की या T20 की, लेकिन टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट की जो शान है वो टेस्ट क्रिकेट है। और जो टेस्ट क्रिकेट की अव्वल दर्जे की टीम होती है वही T20 या वनडे में भी बेमिसाल प्रदर्शन करती है। लेकिन इस टीम में यशस्वी जायसवाल पर निगाह रखी है। ये प्लेयर आगे जाकर एक बहुत उम्मीदें जगाने वाला प्लेयर है और मुझे लगता है कि इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। बहुत शानदार हमारी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजों ने जब जरूरत थी विकेट निकाले, चाहे आकाशदीप हो, चाहे सिराज हो, और चाहे हमारे एस बॉलर हो जसप्रीत बुमराह। और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि जिस तरह का स्पिन अटैक आर अश्विन और जडेजा का है, ये वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक है। और यही वजह है कि टर्निंग ट्रैक हो या फास्ट ट्रैक हो, भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों लगातार, आप याद कीजिए कि फर्स्ट टेस्ट में जिस तरह से आर अश्विन ने निचले क्रम पर बल्लेबाजी की थी और जडेजा ने साथ दिया था, उनका अल्टीमेट प्रदर्शन था। फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने बताया है कि ये सिर्फ टॉप ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है, निचले क्रम के बल्लेबाज भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। और खासतौर से इस टेस्ट में तो हमने जिस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के, वो कमाल है। और बहुत अच्छा तोहफा दिया है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच है ये हमारे कोच गौतम गंभीर का, आउटस्टैंडिंग, शानदार प्रदर्शन। जी बिल्कुल, काबिले तारीफ प्रदर्शन, और हर एक भारतीय के दिलों में अब खुशी हम देख सकते हैं। खबर सुनने के बाद सब खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।